आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था रेडिट पर, और उस बंदे ने उसमें रीज़न दे रखा था कि क्यों, क्या रीज़न होते हैं कि लोग फेल हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो उसने रीज़न दे रखा था उसमें, तो उसने अपनी स्टोरी बता रखी थी खुद की। आई वॉज ए ड्रॉपर, गोना ज्वाइन कॉलेज दिस ईयर, मैं कॉलेज ज्वाइन करने जा रहा हूँ इस साल। एंड आई गोना टेल यू मोस्ट पीपल फेल लाइक यू मी, JEE वगैरह जो एग्ज़ाम हो गए ये सारे, ये क्यों फेल होते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन एंड रिजर्वेशन, ये चीज़ें हटा दो आप, इनसे अलग बात करते हैं। क्लास फर्स्ट से टेंथ तक सिलेबस ईजी रहता है, इतना ईजी कि अगर आप कंसिस्टेंटली रोज 3 घंटे भी पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में, या फिर लास्ट वीक भी पढ़ लोगे तो भी 85% आ जाएंगे। तो इतना ईजी उनका सिलेबस रहता है, तो हमें बिल्कुल भी मेहनत की उस टाइम बिल्कुल भी मतलब आदत ही नहीं होती है बिल्कुल भी। तो 3 घंटे रोज़ पढ़ लो चाहिए, या फिर आखिरी हफ्ते ही पढ़ लो तो हो जाता है। तो इस भाई ने यहाँ पर लिख रखा है कि 85% आ जाते हैं ऐसे करके, क्योंकि ये सब मेमोरी बेस्ड था। मैथ्स में खुद ही काफ़ी थ्योरम और रटने को होती है, तुम्हें इतने सालों से एक चीज़ नहीं की, वो है मेहनत। मेहनत करने की आदत ही नहीं है। बट 11th 12th में स्टडीज़ में तुम्हें अपना ब्रेन यूज़ करना होता है, जो तुमने इतने समय में करा नहीं, और नहीं तुमने मेहनत करी, ना ही तुम्हें आदत है। अब तुम्हारा ब्रेन मेहनत करेगा ही नहीं, इट विल ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट। हमारा दिमाग प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, मतलब उस काम को टालेगा, ऐसे ऐसे करेगा। पर यार देखो, हमारे पेरेंट्स जो थे, ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उनकी तो मजबूरी थी कि उनको काम करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने अपना मजबूरी में काम किया और अपने लाइफ में ठीक ठाक कर गए। तो हमारी ऐसे मतलब हमें तो सब कुछ मिल गया बैठे बैठे, अभी ऐसे में दिखा रखे हैं, कहीं को बैठे बैठे नहीं मिलता। मगर वो बच्चे मेहनत करते हैं, चाहे वो पढ़ाई में ना करें, चाहे स्टार्टअप में करें, किसी चीज़ में करें, मगर वो मेहनत कर लेते हैं। अब पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं भाई पढ़ाई कर, तो बच्चे पे एकदम प्रेशर बनता है दिमाग पर कि मेहनत करने के लिए, उसने क्योंकि सारी उम्र तो मेहनत की नहीं, फिर वो मोटिवेशन के चक्कर में लग जाते हैं, फिर वो मोटिवेशन दिखता है कि फॉरेन कंट्री में जाना हो, चाहे वो कैसा ही मोटिवेशन हो। तो यार इस भाई ने लिखा है कि मोटिवेशन लो, पर यार थोड़ा लिमिट में लो, कि ये नहीं तुम बस मोटिवेशन ले रहे हो। जैसे कि यार दैट्स वाई आई थिंक मोस्ट पीपल गो थ्रू, इसी चीज़ से वो लोग गुजरते हैं, डेविड गोगिन हो गया जैसे, ये सब कुछ इनकी मोटिवेशन जो होती है वो लोग देखते हैं आजकल जैसे ये सब कुछ, और फिर वो मेहनत करते हैं, बिना इस चीज़ के वो करते नहीं। मोटिवेशन का भी इतना तकड़ा एडिक्शन लग चुका है। तो भाई कितना सहमत थे आप इस भाई की बात से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।